हाय फ्रेंड्स, तो आज हमारी रैंडम ऐप रिव्यूइंग सीरीज़ का एपिसोड 4 है। अगर आपने इस ऐप सीरीज़ के पहले भी तीन एपिसोड देख लिए हैं तो आपको पता होगा ये सीरीज़ किस चीज़ पे बेस्ड है, तो आज मैं नहीं बताऊंगा। अगर जो नए यूज़र्स इस पे आ चुके हैं, कोई भी नया बंदा इस वीडियो पे आ चुका है, उसको नहीं पता है कि सीरीज़ में क्या होता है, वो एपिसोड 1 देख ले, चैनल पर है वो वीडियो, तो उसमें उसको पता चल जाएगा कि सीरीज़ में होता क्या है। तो चलिए आज का रैंडम ऐप रिव्यू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर कीजिए। और जो नए व्यूवर्स हैं उनको भी ये बता दूं कि इस चैनल पे एक तो ये सीरीज तो चल ही रही है, ये तो चलती रहेगी, और दूसरा ये है कि मैं आपको एंड्रॉयड के ट्यूटोरियल्स भी देता रहता हूँ, जो लेटेस्ट ट्रिक्स होती है एंड्रॉयड की मैं वो आपको बताता रहता हूँ। तो चलिए अब आज के ऐप रिव्यू करते हैं। तो हमने अपना प्ले स्टोर खोल लिया है, तो हमारा प्ले स्टोर खुल चुका है, तो देख सकते हो आप यहाँ पे अभी दिखा रहा है फिल्म, ये यहाँ पे है कन्वर्ट योर मोमेंट्स इनटू आर्ट, ये हमने कल डाउनलोड कर लिया था, हमने इसको चेक कर लिया है। अब यहाँ पे बाकी हम यहाँ से नहीं करेंगे, हम नीचे चलते जाएंगे। यू माइट आल्सो लाइक, तो गेम्स हम रिव्यू अभी नहीं करेंगे, गेम्स का हम बाद में देखेंगे, पहले तो हम टॉप चार्ट्स खोल लेते हैं आज फिर यहीं से ऐप रिव्यू करते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करते रहते हैं, जब तक कोई ऐप का आइकन पसंद ना आ जाए ना, तब तक रुकना नहीं है। फेस ऐप भी हमने कर लिया था, चलिए अब कौन सा करें, चलते जाते हैं कौन सा ऐप हमको अच्छा दिखेगा। फोटो एडिटर वेडिटर हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि सबको पता है पिक्सार्ट बेस्ट है फोटो एडिटिंग में, तो चलते हैं। यहाँ पे फुल एचडी वीडियो प्लेयर, आधार कार्ड डाउनलोड, ओके चलते जाइए। अब ये जो है ना, ये ऐप फेक होते हैं, इनका तो पता ही है। तो अभी भी हम नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे जब तक कोई ऐप हमें अच्छा ना लगे। तो ये क्या है, इंस्टा स्क्वायर साइज बिग गार्ड, तो इसको क्या जरूरत है यार। चलते जाते हैं। अब यहाँ पे तो सब सर्फेस की ट्रिक्स हैं, इसको किसने कौन पागल करेगा यार डाउनलोड, चलते रहते हैं ना। ये क्या है, मनी व्यू मनी मैनेजर, छोड़ दो, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर होता है यार, ओके चलते रहते हैं हम। आज आई थिंक लेट लगने वाली है ऐप को ढूंढने में। अब यह है टच पैड इमोजी की बोर्ड, हमने फ्लैश इमोजी कीबोर्ड तो पहले भी रिव्यू कर लिया था, अब कितनी बार हम कीबोर्ड से रिव्यू करते रहेंगे, इसे छोड़ देते हैं। तो हम चलते हैं नीचे, कोई ऐप अच्छा सा मिल ही नहीं रहा यार, ये सब वही है। ओके चलते रहते हैं। सब ऐप हर किसी ने कभी ना कभी तो यूज़ किए, तो छोड़ देते हैं। टॉप चार्ट्स में हमको नहीं मिला अभी तक कोई ऐप, हम चले जाते हैं कैटेगरीज में और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। आज हम क्या सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे तो यार पर्सनलाइजेशन के ऐप चेक कर लेते हैं, ये हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं इसलिए हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे है, ये रिकमेंडेड हैं तो इसको छोड़ देते हैं पहले, सबसे हम नीचे चले जाते हैं। तो यहाँ पे है टैप विद फन सब कीबोर्ड, छोड़ दो, नव बार ये ओके, फॉन्ट्स अनोनिमस हैकर, इसमें पता नहीं क्या होगा, देख के तो लग रहा है फेक होगा, इसके कमेंट्स चलिए देख लेते हैं। हैकर, अच्छा ये वॉलपेपर्स हैं, ओके ये हैं वॉलपेपर्स, तो हम वॉलपेपर्स को क्या करना है यार, कोई और पर्सनलाइजेशन का अच्छा सा हम देख लेते हैं। ये क्या है, डैश डो व्हाट्सएप आई थिंक, ओह ये तो वही है यार जो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बता दिया है कि व्हाट्सएप बबल सेम काम करेगा, सेम ऐप है, तो इसे छोड़ देते हैं। अभी भी आगे चलते रहते हैं हम, ये कौन सा है,
पिक्स बार्स और एनर्जी बार्स, इससे होगा क्या? ओह ये नीचे दिखाई यार, इसको क्या करना है यार। ये क्या है? रीस्प्लैश, रीस्प्लैश ऑन एंड्रॉइड। इसमें है क्या, फीचर्स क्या हैं इसके? नहीं यार, हमको पर्सनलाइजेशन का कोई अच्छा सा ऐप चाहिए। तो ये हैं लॉन्चर्स, लॉन्चर्स रिव्यू करें आज। बहुत सुना है लॉन्चर्स के बारे में। लाइव वॉलपेपर्स हैं बहुत सारे यहाँ पे, हमें वॉलपेपर सुने कि नहीं, हम लॉन्चर्स कर लेते हैं आज रिव्यू। और हाँ एक और बात मैं आपको साथ साथ में बता दूँ कि जो ऐप मैं रिव्यू करूँगा ना, उसका डिस्क्रिप्शन में एपीके फाइल को डाउनलोड करने का आपको लिंक मिल जाएगा। तो कौन सा करते हैं हम, देख लेते हैं। ये क्या है? नेक्स्ट पिक्सल्स 3D थीम। आई लव पिक्सल्स, माई ब्रदर शेयर डिड लॉन्चर टू। ओके, तो इसका मतलब कमेंट्स तो अच्छे हैं, रेटिंग अच्छी है, कुछ ना कुछ तो इसमें होगा। कर लेते हैं, देखते हैं है क्या। तो अब जैसा कि आपको पता ही होगा, जैसे ही डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा मैं वीडियो पॉज कर लूँगा, और जैसे ही इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा मैं फिर वीडियो स्टार्ट कर दूँगा वहीं से। तो डाउनलोड हो रहा है, 10 MB का है, देख लीजिए आप। फिलहाल आई थिंक पॉज करने की नीड नहीं है, होने वाला है। 10 MB कितने होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। इतना थोड़ा सा डाउनलोड हो भी गया, अब इंस्टॉल होगा। तो इंस्टॉल हो रहा है वीडियो, आई डोंट नो कितनी बन गई है, बहुत लंबी हो सकती है, बट सॉरी वीडियो लंबी हो गई तो, क्योंकि कुछ भी प्लान नहीं होता है ना यार, रैंडमली सिलेक्ट करता हूँ। इससे आपको भी फ़ायदा है कि आपको भी अगर ऐसे लॉन्चर, अगर ये लॉन्चर मुझे पसंद आए तो मैं भी रखूँगा, आपको पसंद आएगा तो आप भी ऑफकोर्स डाउनलोड कर लोगे, आपका भी फ़ायदा है। और रैंडमली सिलेक्ट करता हूँ, प्री प्लान नहीं होता। प्री प्लान होता तो मैं डायरेक्टली जाके ऐप सर्च कर लेता, सब कुछ कर लेता, लेकिन सिलेक्ट करने में टाइम लगता है, ढूंढने में टाइम लगता है। चलो इंस्टॉल हो चुका है, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ओपन कर लेते हैं लॉन्चर को। अच्छा अभी ये तो थीम है। ओके, अब हमको लॉन्चर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो हम लॉन्चर इंस्टॉल कर लेते हैं। अब वो पैसों से होगा तो फिर तो रहन दो, नहीं फ्री में है। और हाँ एक और बात कि फ्री ऐप्स ही रिव्यू करते हैं, मेरे पैसे नहीं है यार कि इतने ज़्यादा ऐप्स, मतलब पैसों से ऐप्स खरीदूँ। अभी कितने MB का? 20 MB का है, तो अभी मैं वीडियो पॉज करूँ नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो डाउनलोड हो चुका है, अब इंस्टॉल हो रहा है। हमने पहले इसकी थीम कर ली थी, उसने उसके बाद हमें कहा कि आपको स्पेशली लॉन्चर करना पड़ेगा डाउनलोड, वो है नेक्स्ट लॉन्चर 3D शेल लाइट। हम इसे डाउनलोड कर चुके हैं, अब इंस्टॉल हो रहा है। अब देखते हैं कि कैसा कमाल का लॉन्चर है, क्योंकि रेटिंग्स और अगर जहाँ तक मैंने कमेंट देखे ना अभी तक, मुझे तो हमेशा 4.4 की रेटिंग है, तो 4. कुछ की तो थीम में भी थी। तो हो गया इंस्टॉल, मैं ओपन कर रहा हूँ लॉन्चर को। लॉन्चर तो खुलने में टाइम लगाता है, बिकॉज पहले से भी फ़ोन में लॉन्चर पड़ा होता है, तो थोड़ा सा फ़ोन को भी टाइम लगता है ओपन करने में, टाइम लगेगा। आई थिंक ओपन हो रहा है, हाँ ओपन हो रहा है। तो अब स्मूथली रन करेगा थोड़ी देर बाद, जब लॉन्चर पूरी तरह से कम्प्लीटली रन हो जाएगा, बस अब करेगा स्मूथली रन। तो क्या कह रहा है? आई एग्री विद द नेक्स्ट लॉन्चर एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। ओके, अभी तो एग्री कर लेंगे, बग फिक्स्ड सब कुछ एंजॉय। ओके, तो ये है लॉन्चर। ओके, देखने में तो अच्छा खासा है, चलाने में भी फन है यार, झूठ क्यों बोलना। कॉपी होम स्क्रीन या कुछ है यहाँ पे, तो ये क्या कह रहा है? होम स्क्रीन ट्रांजिशन, नेक्स्ट लॉन्चर हैज़ मोर फैबुलस स्क्रीन ट्रांजिशन इफेक्ट्स, हैव अ ट्राई नाउ। यस, कर लेते हैं ट्राई अभी के अभी। ओके, यहाँ पे चले जाते हैं, तो ये ऐसे। ओके, अच्छा तो ये है बेसिकली कि आप स्क्रॉल करते वक्त आपका डिस्प्ले कैसा दिखेगा। ओके, चलिए ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। वे चल, अबे फोन भी हैंग होने लगा इस लॉन्चर की वजह से। अब देख लो, अगर मैं अभी अपना ओरिजिनल लॉन्चर रखूँगा ना, स्मूथली चलेगा, बट वो प्रॉब्लम दे रहा है यार नेक्स्ट लॉन्चर 3D लाइट, ये प्रॉब्लम दे रहा है, तो ये तो ठीक नहीं है ना। 2 GB रैम है फ़ोन में, पीछे बैकग्राउंड में कोई ऐप नहीं चल रहा है, प्रोसेसर भी अच्छा है, क्वाड कोर प्रोसेसर यूज़ कर रहा हूँ मैं, लेकिन नहीं, ऐप तो हैंग मार रहा है।
अभी के अभी अगर ये देख लो, अब मैं अपना ओरिजिनल लॉन्चर चलाऊंगा फ़ोन का, कोई लैग ही नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। मुझे नहीं करना है ये लॉन्चर यूज़ बिकॉज ये हैंग हो रहा है यार। तो चलिए, मुझे वॉलपेपर तो मिल गया वहाँ से एक और अच्छा सा, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको पसंद आया, आपके अपने फ़ोन में टेस्ट कर लीजिए, क्या पता मेरे फ़ोन में ना चल पा रहा हो, या तो मैं शायद रिस्टार्ट करने के बाद चल पाए। बट जहाँ तक मुझे यार देखो सच बताऊँ, मुझे पसंद नहीं आया, इतना रोबोटिक जैसा डिस्प्ले मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बेसिकली मैं इसे अब अनइंस्टॉल करने वाला हूँ और करूँगा भी आपके सामने। ये किया अनइंस्टॉल, ये कर दिया इसके ऊपर। ओके, अब हम पीछे चलते हैं। अब इसकी थीम भी थी यार, वो भी ढूंढूंगा मैं, अनइंस्टॉल कर लूँगा। तो बेसिकली मुझे ऐप पसंद नहीं आया, अभी तक मैंने ऐप रिव्यू की थी, मुझे उसमें से एक दो पसंद आ चुके थे, अब ये नहीं आया। तो चलिए, इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऐप पसंद आया तो आप डाउनलोड कर सकते हो, या तो प्ले स्टोर से या तो डिस्क्रिप्शन में दी हुए लिंक से आप इसकी APK फाइल डाउनलोड कर लो। बेसिकली मुझे पसंद नहीं आया, मेरा ओपिनियन ये है। तो चलिए, अब आपका हर किसी का ओपिनियन डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो चलिए, अब आपको इंस्टॉल करना तो करिए, नहीं करना तो करिए मत करिए। तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि मेरे एक फ्रेंड का चैनल है, उनका नाम है IT बड़ी चैनल का नाम है उनके, तो उनके चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उनके चैनल पर जाइए विजिट कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट बनाते हैं, अच्छा अच्छा कॉन्टेंट बनाते हैं वो। मैं भी उनकी वीडियो देखता हूँ, टेक्नोलॉजी के बारे में आपको वो बताते रहेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। और आजकल उनके चैनल पर गिव अवे चल रहा है Mi 4 का, तो जाइए कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आई ना तो लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब अगर कर दिया तो बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। तो चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल अगर ट्यूटोरियल मुझे एक और ट्रिक मिल गई तो मैं अपलोड कर दूंगा, नहीं मिली तो ये सीरीज़ हमारी हर दिन में एक वीडियो अपलोड होती रहेगी सीरीज़ की। तो चलिए, तब तक बाय बाय।